नमस्कार। उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आ रही है जो काफ़ी चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश की ये खबर योगी बाबा से ये सवाल पूछती नज़र आ रही है कि बाबा, आपके इस कानून राज में पुलिस वाले कानून के रक्षक बने हैं या कानून के भक्षक हो चुके हैं। मामला ऐसा जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत ही गर्मा गई है, गर्मानी भी चाहिए। सियासत के पीछे बहुत बड़ा हाथ देखा जाए, योगी बाबा आपकी पुलिस कानून का रक्षक बनी है या फिर हत्यारी बन गई है। योगी आदित्यनाथ एक तरफ उत्तर प्रदेश में कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में उनकी पुलिस कहीं ना कहीं हत्यारी बनती दिख रही है। ताज़ा मामला मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र का है, जहाँ खाकी की मार से युवक के प्राण निकल गए। पुलिस इंस्पेक्टर व दरोगा समेत 6 तो निलंबित कर दिए गए, लेकिन सवाल ये है कि क्या बाबा, आपके विकास को देखने गोरखपुर कोई जाए तो उसका खामियाजा इस तरह भुगतना पड़ेगा क्या उसको? सुदूर शहरों से घूमने आए थे 3 दोस्त, क्या पता था उनको, होटल में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पिटाई कर दी। खाकी की क्रूरता, नंगा नाच व बर्बरता की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी। एक बार फिर खाकी के क्रूर पंजों में एक निर्दोष युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। खबर विस्तार से देखते हैं। पुलिस टीम ने होटल चेकिंग के दौरान रात में 3 दोस्तों की पिटाई क्या कर दी कि एक की मौत ही हो गई, 2 की हालत गंभीर बनी है। पूरे प्रकरण की जानकारी होने पर SP ने एक इंस्पेक्टर सहित 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित तो कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव बेजा बनाते दिख रहे हैं। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मृतक मनीष गुप्ता वो जो घूमने आया था गोरखपुर शहर, लेकिन प्रशासन ने रामगढ़ ताल पुलिस ने पीट पीट कर मार डाला। कसूर कितना, केवल इतना था कि रात को 12 बजे चेकिंग के दौरान पुलिस से सवाल करने पर, क्या हम आपको आतंकवादी लगते हैं, रामगढ़ ताला JN सिंह ने पीटना शुरू कर दिया। सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। फिर क्या था, हॉस्पिटल पहुंचते देर हो गई थी। मामला ऐसा था, पत्नी को पता चलता है, पत्नी कानपुर से रोते बिलखते पहुंचती है गोरखपुर। उसको पता ही नहीं था कि क्या गोरखपुर के उस बाबा के शहर में जो मुख्यमंत्री हैं, जो अपराधियों पर हंटर चलाते हैं, लेकिन क्या उनकी पुलिस ही अपराधी बन जाएगी और मार डाला मेरे पति को। 4 साल का बच्चा लेकर घूमेगी तो घूमेगी कहाँ। उस पत्नी के आंसुओं से सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बहन अपने राखी की दुहाई दे रही है तो बाप इकलौता बेटे की राह निहार रहे हैं। आंखें सूनी पड़ी हैं, माता स्वर्ग सिधार चुकी है। मनीष गुप्ता के परिवार का होगा क्या? मनीष गुप्ता की पत्नी जब पहुंचती है तो उसने जांच की मांग कर दी। सबको इंतज़ार था पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में से पहले पुलिस कहती थी कि शराब पीने से, सर में चोट लगने से उसकी मौत हुई है, लेकिन पुलिस बार बार छुपाती रही कि उन्होंने उसको पीटा भी है। लेकिन सवाल उठता है कि जब पत्नी ने एक बार फिर ये कहा कि नहीं, पुलिस वालों ने ही पीटा है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ सबकी निगाहें चली जाती हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो निश्चित तौर से सबकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में योगी बाबा का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से ये इंगेज करता है कि इसमें दोषी पुलिसकर्मी हैं, उसकी पीट पीट कर हत्या ही की गई है। अब क्या किया जाए? अब तो योगी आदित्यनाथ ने आदेश कर दिया, मुकदमा दर्ज हो चुका 3, और उसमें एक JN सिंह का नाम बताया जा रहा है। JN सिंह ऐसे जिनके ऊपर ये तीसरी बार आरोप लगा है। योगी आदित्यनाथ ने तो लड़के की पढ़ाई की व्यवस्था कर दी, पत्नी को नौकरी दे दी, 10 लाख मुआवजा भी दे दिया, लेकिन विपक्ष के हमले से बचें तो बचें कैसे? पहुंचते देखते ही देखते, पलक झपकते ही अखिलेश यादव कानपुर पहुंच जाते हैं, 20 लाख की घोषणा कर जाते हैं। तो मायावती ने पूरी तरह से CBI जांच की मांग कर दी है। कानपुर
तो वहीं कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग दिया है कि जब आपका शहर ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरे की शहर की बात क्या की जाए। प्रदीप चौहान, हरदीप सिंह और मनीष गुप्ता गोरखपुर के होटल कृष्णा पैलेस के रूम नंबर 512 में ठहरे थे। तीनों दोस्त गोरखपुर का नज़ारा देखने आए थे जो बाबा में के शासन में बदलती बयां को ताकीद कर रहा था, लेकिन क्या पता था कि इस इतने बड़े विश्वास में कहीं ना कहीं धोखा हो जाएगा। और मनीष गुप्ता, जो योगी आदित्यनाथ का विकास देखने गोरखपुर आया था, लेकिन उसने विकास तो देखा नहीं, लेकिन गोरखपुर के योगी आदित्यनाथ की पुलिस का अमानवीय चेहरा देख लिया, पूरे देश ने देख लिया, पूरे विश्व, पूरे उत्तर प्रदेश ने देख लिया। इंस्पेक्टर जेएन सिंह पर मांग हो रही है, मुकदमा चलाने की मांग हो रही है। माँ बाप का इकलौता पुत्र था मनीष, और ये जेएन सिंह पर जो अधिकारी हैं उन पर ये तीसरा आरोप है। अब देखना ये है कि योगी आदित्यनाथ अपने इस अधिकारी से कैसे निपटते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि जेएन सिंह कहीं ना कहीं वो एक सांसद के रिश्तेदार बताए जाते हैं। ये तीसरी बार आरोप है, दो बार तो बच निकले, क्या इस बार बच निकल पाएंगे? क्योंकि कमर कस चुका है विपक्ष, कमर कस चुकी है उनकी पत्नी मनीषा गुप्ता। अब देखना है कि क्या होता है। न्यूज 24 HD के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ने भी दिखाया, उन्होंने भी दिखाया, उनके दो दोस्त हरियाणा के, तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि हम क्या आपको आतंकवादी दिखते हैं। तो उन्होंने कहा हम पूरा कमरा चेक करेंगे। भाई हुआ चेक कर लो, चेक कर लिया। वो पुलिस वाले इतने खुन्नस से थे कि गुस्से में देख रहे थे, बहुत बुरी बिहेव कर रहे थे। तो जाते जाते उन्होंने बोल दिया भाई संतुष्टि होगी कि बाकी। उनका ये बोलना उन लोग के लिए काल हो गया, मेरे पति के लिए तो हो ही। फिर उन लोग पुलिस वालों ने सबको मारा, उसमें मेरे पति घायल हो गया, वो वहीं जमीन में गिर गया। उनका खुद खून बहा, पुलिस वालों ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। होटल पे बाहर, हाँ होटल पे बाहर। फिर बहुत देर बाद उन्होंने उस मनीष को उठाया, मेरे पति को उठाया, और बगल में जो पास वाला हॉस्पिटल था वहाँ लेके गए। तो वहाँ से उन्हें तुरंत रिफर कर दिया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, फिर लाकर यहाँ मेडिकल लाए यहाँ पे। लेकिन मेडिकल कॉलेज में आए नहीं थे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सूचना आई नहीं थी। हम लोग ने भी यहाँ लोग भेजे थे, लेकिन वो आए नहीं थे। और पुलिस वाले बार बार कह रहे हम इलाज करा रहे हैं, वो रिकवर कर रहे हैं, वो ठीक है, और उन दोस्तों को भी नहीं मिलने दे रहे। मैंने बात करी, बहुत कॉलें करी, मेरा फोन काटा जा रहा था पुलिस वालों के पास। मेरे हस्बैंड का फोन है, मेरे पास मेरे हस्बैंड का फोन नहीं है। मेरे हस्बैंड का फोन गुम हो गया है, उसमें पता नहीं उन्होंने क्या लिखा होगा, क्या किया होगा। मुझे वो चाहिए, मेरे हस्बैंड का, मैं कॉल कर रही हूँ, हस्बैंड का फोन बार बार काट रहे थे। मैं मीनाक्षी गुप्ता कानपुर की रहने वाली हूँ, गोरखपुर आई हूँ, और यहाँ मेरे पति की पुलिस वालों ने मिलकर हत्या कर दी है। मैं अखिलेश जी आपसे मदद की गुहार कर रही हूँ, प्लीज मुझे इंसाफ दिलाइए। मेरे छोटे से बच्चा है,